सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको IBPS PO के बारे में। IBPS PO का ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 16 अगस्त 2017 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और 5 सितंबर 2017 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा सकते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो यही है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री होगा, सबसे पहले प्री होगा, प्री एग्ज़ाम होगा आपका, जो उसकी डेट है वो है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। ठीक है, तो ये 4 डेट में हमारा प्री एग्ज़ाम होना है IBPS PO के द्वारा। उसके बाद जो होगा वो होगा उसका अक्टूबर में रिज़ल्ट आएगा, अक्टूबर के लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद मेन एग्ज़ाम होगा 26 नवंबर 2017 को। 26 नवंबर 2017 को मेन एग्ज़ाम होगा। ठीक, और फिर उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और फिर जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और लास्ट जो आपको एलोकेशन दे दिया जाएगा वो अप्रैल तक आपको 2018 तक एलोकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको वही सब बताऊंगा कि इस वीडियो के ज़रिए, ये तो सब सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी ऑलरेडी पहले से ही, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है ये आप सब आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 45 दिन अगर हम माने तो 45 दिन के आसपास हमारे पास टाइम है ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस 45 दिन में किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वही सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बराबर में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको ज़रूर क्लिक करके रखें। ये प्रॉब्लम लगातार स्टूडेंट्स के साथ आ रही है कि वो ये कह रहे हैं मेरे से कि उनके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो जो होती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है, तो आप सब्सक्राइब कर लेते। देखिए, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार वन टाइम सब्सक्राइब का बटन होता है उसको आप क्लिक करके रखें और उसको क्लिक करने के जस्ट 2 सेकंड के अंदर वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का आइकन आता है, उस पर क्लिक करके रखें तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी वीडियोस की। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले से ही करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो बात करते हैं, आ जाते हैं अपने IBPS PO के एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो है अक्टूबर में, तो करीब करीब हमारे पास 45 से 50 दिन का समय है, लेकिन हम फिर भी 45 दिन अपने पास मानकर चलते हैं। तो अब हमें इस 45 दिन में अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, इस पर आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न जो होगा, पैटर्न ये होगा कि आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 3 चीज़ें होंगी, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगी और इंग्लिश होगी। इंग्लिश होगी 30 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रीजनिंग, यानी कि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के और 60 मिनट में 1/4 की निगेटिव मार्किंग के साथ आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एक साथ होंगे, उसके अंदर आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के और 60 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स 40 मिनट्स का टाइम होगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स, तो टोटल 155 क्वेश्चन हो जाते हैं
200 मार्क्स के और 3 आवर का, 3 आवर्स का आपको टाइम मिल जाता है। तो इसके साथ साथ इस बार IBPS PO ने क्या किया है कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है कि इस बार जैसे SBI के एग्ज़ाम में हुआ करता था डेस्क्रिप्टिव पेपर, वो डेस्क्रिप्टिव पेपर भी इस बार से स्टार्ट हो गया है। उस डेस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा, एक ऐसे होगा, एक लेटर होगा, प्रेसेस राइटिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो कोई भी दो चीज़ें आ सकती हैं आपको, ठीक। और 25 मार्क्स का पेपर होगा ये, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का पेपर है आपका, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखिए 45 दिन का टाइम होता है। 45 दिन के टाइम में बहुत कुछ सारा तो आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ टेक्स्ट बुक बता दूँ कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना सारा पढ़ के आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप दो चीज़ उठाइए, एक तो प्रीवियस पेपर उठाइए। जब से IBPS के एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है या SBI के आपको पेपर मिल जाते हैं, SBI PO और IBPS PO के पेपर, ठीक है। सॉल्व पेपर जो पुराने पेपर होंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, ठीक है, और आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप खुद ले लीजिए, मैं कोई भी सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको बेस्ट लगता है, अरिहंत है, किरण है, या बहुत सारे और बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, सभी के आपको प्रीवियस सेट मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप PO के साथ साथ आप क्लर्क लेवल के भी सॉल्व पेपर ले लीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ लेने के बाद आप तीसरी चीज़ पढ़िए, प्रैक्टिस सेट, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, आप प्रीवियस जो सेट हैं उनको उठाइए, उसमें देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 में से 12 से 15 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें केवल आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और ब्रैकेट में सॉल्व करना, रूट, अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करनी होती है। वो सब बस प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी बहुत ही बेसिक लेवल होता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्व पेपर है उनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा आपको रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेक्टर वाइज आते हैं, मतलब डिवाइड करके, मतलब जैसे सोलूजियम से 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, सर्कल से क्वेश्चन आता है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, वो 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ग्रेटर एंड इक्वल टू वाले क्वेश्चन आते हैं, वो 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग से आ जाता है। अच्छा, इसमें सीरीज जो आती है, सीरीज आती है मैथमेटिक्स के अंदर, तो 4-5 क्वेश्चन आपको सीरीज के क्वेश्चन वो आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें आपको मिलेंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अगर आप सॉल्व पेपर को अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको क्या चीज़ पहले पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ बाद में करनी चाहिए, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैथ रीजनिंग तो आपकी इस तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए भी आप प्रीवियस पेपर को पढ़िए, देखिए। अब उसमें आप देखेंगे कि कॉम्प्रेंसन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं स्टार्ट किया है तो एक न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आने वाले टाइम में जब आपका मेन एग्ज़ाम होगा और उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब आपको प्रेसेस राइटिंग लिखने आएगी या फिर ऐसे आएगा या फिर लेटर के लिए होगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो केवल न्यूज़पेपर पढ़ना केवल आपके प्री एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि मेंस एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप न्यूज़पेपर को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते रहें, ठीक है। तो
तो सॉल्व पेपर आप करते रहिए, सॉल्व पेपर में आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बताया है, उस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। IBPS क्लर्क का मैंने सॉल्व पेपर बताया, वहाँ से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो IBPS PO के साथ साथ क्लर्क का भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो उसकी तैयारी आपकी उसके साथ साथ ही हो जाएगी। प्लस आप क्वेश्चंस की आपको एक वैरायटी मिल जाएगी, आपको PO लेवल के क्वेश्चन आपने कर लिए, क्लर्क लेवल के भी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। प्रैक्टिस सेट के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। अगर ऐसे नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है कि सेट वाइज प्रैक्टिस करना, कि मैंने एक सेट कर लिया, आज मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप दूसरी प्रैक्टिस जैसे रीजनिंग में है, रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए आज पढ़ा, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट के 5-7 सेट उठाइए और 5-7 सेट के अंदर जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं सारे कर डालिए, या इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो वो सारे एक साथ कर डालिए, या डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो भी आपने एक साथ 5-7 या 10 सेट का एक साथ कर लिया, तो ये भी एक तरीका, अच्छा तरीका है। तो इस तरीके को अगर आप इस तरीके को अपना कर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल भी आप कोई टेक्स्ट बुक मत पढ़िए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग की काफ़ी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज़ के आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप सभी वीडियोस को आसानी से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये बताई हुई बातें समझ में आई होगी कि कैसे आप 45 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्री एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। प्री एग्ज़ाम निकालने के साथ साथ आप जब प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि हालांकि आपके पास मेन एग्ज़ाम के लिए केवल 1 मंथ के आसपास का ही टाइम मिल पाएगा, ठीक है ना। तो वही है कि उसके साथ साथ आपकी प्री के साथ ही आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, रीजनिंग आप उसके साथ कर चुके हैं, आप मैथमेटिक्स में केवल वहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा तो वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका क्या रह जाता है, एक कंप्यूटर रह जाता है, एक जनरल अवेयरनेस रह जाता है, तो वो लास्ट के आप 1 मंथ में वैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बात रही राइटिंग की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी वो आपका इसी के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो वो भी आपका राइटिंग स्किल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और बाद के 1 महीने में आप उसको अच्छे तरीके से लिख लिख के प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बस आपको यही सब बताना था कि कैसे आप एक IBPS PO की एग्ज़ाम की तैयारी एक लिमिटेड टाइम में 45 दिन के टाइम में इजीली बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है, अपनी तैयारी को तन मन धन से पूरी तरह से लग कर करें, हार्ड वर्क करके करें, ठीक है, धन्यवाद।